दोस्तों, तलवाड़ा से केवल 1.5-2 किलोमीटर दूर चंगड़मा गांव के पास ही एक शेषनाग जी का एक प्राचीन भव्य मंदिर है, जहां हर साल सावन महीने के 4 रविवार को एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां नाग देवता के दर्शन करने हजारों की तादाद में हर रविवार को बहुत दूर दूर से भक्तजन जहां आते हैं और इच्छाधारी नाग देवता जी से मन वांछित फल पाते हैं, जहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी भक्त लोग अपने आप अनुशासन का पालन करते हुए इस पावन स्थान के दर्शन करने के लिए पुरुषों की लाइनें अलग और महिलाओं की लाइनें अलग लगाई जाती हैं। कुछ साल पहले तक इसी स्थान पर शेषनाग जी का लगभग 200 साल पुराना एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, मगर जहां उस वक्त जैसे जैसे इस मंदिर में भक्तों की मन्नतें पूरी होने लगी तो भक्तों की संख्या में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। ये सब समस्या देख मंदिर कमेटी ने वो पुराना मंदिर तोड़कर अब उसी जगह पर ही ये मंदिर नई बड़ी इमारत बनाई गई है, जहां भक्तों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। अब ये मंदिर 12 एकड़ में फैला हुआ है, जहां शेषनाग मंदिर के पास ही ये पावन 4 देवताओं की पिंडियां भी बनी हुई हैं, जहां जो भी भक्त श्रद्धा व सच्चे मन से जो कुछ भी उनसे मन्नत के रूप में मांगते हैं वो जहां उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। कोई भक्त जहां आकर औलाद मांगता है तो कोई नौकरी, जहां धन और कोई अपने रोगों से मुक्ति, सबकी मांगे अनेक हैं और वो देने वाला सिर्फ एक है। मंदिर के गेट के पास ये 4 ढोली एक साथ एक ही लय में ढोल बजा रहे हैं, जिनकी मधुर आवाज से मेले का एक अलग ही वातावरण देखने को मिलता है। मंदिर के सामने ही दूर दूर तक रंग बिरंगी सजी हुई छोटी बड़ी दुकानें इस खूबसूरत मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र बनी होती है। इस मेले की मार्केट में कुछ महिलाएं अपने लिए मेकअप का सामान व आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदने में व्यस्त हैं और कुछ अपने बच्चों के लिए नए कपड़े व खिलौने खरीदने में व्यस्त हैं। इन मेलों में सबकी अपनी अपनी पसंद व अपनी अपनी चाहत होती है और ज़्यादातर ऐसे मेलों में सारा सामान अन्य मार्केटों से सस्ता व आधे रेटों पर मिलता है और मेलों की खूबसूरती को बढ़ावा देते हैं ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे झूले और ऐसे दिल दहला देने वाले ये झूलों की ऊंचाई लगभग 100 फीट तक होती है। जैसे जैसे ये झूले नीचे की तरफ आते हैं बच्चों व महिलाओं समेत नए पहली बार बैठने वाले सभी लोगों की चीखें तक निकल जाती हैं और सभी को बड़ा मज़ा भी आता है। और इन मछली वाले झूलों की खूबसूरती तो बस देखने की बात है। और ये देखो जीप जो अपने आप अकेली बिना सवारी बिना ड्राइवर और बिना पेट्रोल के कैसे मस्ती में अकेली ही घूम रही है। छोटे बच्चों के लिए ये झूले तो मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं। इन सब झूलों के कारण ही सभी बच्चे खुशी खुशी मेला देखने आते हैं। और ये देखिए ये शेषनाग जी की बामी की पावन मिट्टी, जिसे भक्त लोग शक्कर के रूप में अपने अपने घर ले जाते हैं
और इसे कच्ची लस्सी में मिलाकर अपने सारे घर में छिड़कते हैं, ताकि सांप, बिच्छू व जहरीले अन्य जीव जंतु घर में प्रवेश ना कर सकें। और जिन भक्तों के शरीर में दाद, खुजली या मौके वगैरह व अन्य शरीर के चमड़ी रोग होते हैं, वो सभी भक्त इस पावन दरबार में मन्नत मांग कर जाते हैं और कच्ची लस्सी में इस शक्कर रूपी मिट्टी को मिलाकर स्नान करते हैं और उन सब भक्तों को इन सब चमड़ी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और बाद में ठीक होने पर इस पावन दरबार में आकर एक झाड़ू व एक नमक की थैली मंदिर में चढ़ाई जाती है, क्योंकि नमक उस बीमारी को अपने अंदर समेट लेता है और झाड़ू इन सब बीमारियों को शरीर से साफ करके बाहर निकाल देता है। इसीलिए जहां झाड़ू व नमक की मंदिर में थैली चढ़ाने की प्रथा बहुत पुरानी चलती हुई आ रही है। और साथ में आसपास के सभी गांव वाले भक्त लोग अपनी नई पहली फसल गेहूं व मक्की के मीठे रोट बनाकर अपने नाग देवता के दरबार में आकर चढ़ाते हैं और बाकी रोट प्रसाद के रूप में सब भक्तों में बांट दिए जाते हैं, ताकि नाग देवता की कृपा सब पे बनी रहे और घर में सुख शांति के साथ साथ उनके घर में अन्न के भंडार भी भरे रहे। और ये प्रथा साल में दो बार मनाई जाती है, एक बार गेहूं की फसल पर व दूसरी बार मक्की की फसल होने पर। इसीलिए जहां सावन महीने का चंगड़मा के जेठान मेला बहुत प्रसिद्ध है, जो हर साल इसी जगह इन्हीं दिनों सावन के महीने में ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए जहां हर जाति व हर धर्म के लोग आते हैं, और इसे मनाने से इलाके में भाईचारा व सभ्याचार का संदेश समाज में जाता है, जिसे देखने के लिए जहां के सभी नेतागण भी आते हैं। आज इस इलाके के विधायक करमबीर सिंह कुमन व मुकेरिया से आम आदमी पार्टी के नेता मुल्तानी जी व अकाली दल के नेता साबी जी भी नाग देवता व भोले शंकर का आशीर्वाद पाने जहां आए हुए थे, जिनका स्वागत जहां मंदिर कमेटी के सभी सदस्यों ने किया। मंदिर के मुख्य सेवादार व प्रधान ठाकुर स्वरूप सिंह डड़वाल जी का कहना है, साड़ी जी नागदेव की थान की जगह हैगी है, ये सदियों तो है, मतलब साड़ी होश तो पहले साडे बुजुर्गों की भी होश तो पहले पे चलती आई है। ये बारह किले जगह हैगी है जी, थान देवती ना हैगी है। दूजी इतने कोई भी अपनी सुख सुखदा है उतों की मिट्टी लैके अपने घर च कणक दाने पाता है, तो उन्होंने कोई सीख वगैरह नहीं लगती। तो इतने जिड़े भी दूरों दूरों बंदे आते हैं वो सुखना सुखते हैं, तो उन्होंने सुखना मानता पूरी होती है। ये साढ़े बहुत ही पुराने और बहुत ही सदियों तो चलता आ रहा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये फिल्म पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व आगे शेयर जरूर करें। मैं आपका अपना निर्माता निर्देशक मलकियत ठाकुर, जय भोले शंकर।